नमस्कार, मैं यूनुस शेख समाज की खबर हिंदी टीवी न्यूज से। आप देख सकते हैं हम लोग इस समय गणेश घाट करके एक जगह है बांगूर नगर में, हम लोग वहाँ पे आए। यहाँ पे दो बालिक बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह के ऊपर, ये जो मैं कैमरा मैन से कहूँगा इस जगह को दिखाए, ये जो एक कुआ जैसा बना है जहाँ पे गणेश विसर्जन किया जाता था। यहाँ पे कुछ बच्चे खेलने के लिए आए और यहाँ से उनका पैर फिसला और वो अंदर चले गए। यहाँ से एक बच्चे की मौत हो गई है और वहाँ दो बच्चे थे उसमें तो BMC 5 विकेट की आए कार्यकर्ता 5 विकेट ने उनको निकाला यहाँ से। और यहाँ पे BMC के भी लोग आए हुए हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हम बात करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे BMC से। तो यहाँ पे अभी एक हादसा हुआ बड़ा और बच्चा 8 साल का कुछ लगभग बताया जा रहा है कि 8 साल का बच्चा था यहाँ पे। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे लोग आए, BMC के भी काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और ये डिस्क हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा बैरिकेड नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ, मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि इसको दिखाए। यहाँ पे कितनी बड़ी लापरवाही है देख सकते हैं आप यहाँ पे, कि यहाँ पे बैरिकेड वगैरह कुछ लगाया नहीं है। यहाँ पे पूरा के पूरा ओपन प्लेस है। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ये जो कुआ है पानी भरा हुआ है और ये पूरा के पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कुछ जालियाँ टूटी हुई है यहाँ पे। और हम BMC के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या सुविधा की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी लोग हमसे बात करने तैयार नहीं है। मैं कमरा करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों, हम यहाँ पे जो लोग खड़े हैं यहाँ पे जाली वगैरह कुछ बांधा नहीं है, तो मैं यहाँ से लोगों से बात करूँगा। यहाँ पे लोग क्या कहना चाह रहे हैं, सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर वो जाली वो साफ करने के लिए जाली हटाया था जी, तो बच्चा मर गया उसमें, तो हम लोग देख नहीं रहे थे जी। लेकिन अभी पानी खाली करने के लिए हम लोग आए हैं। तो कब हटाए थे जाली आप लोग ने? जाली हटाया था 4-5 दिन पहले हटाया था सफाई करने के लिए। सफाई करने के लिए जाली हटाया तो अभी पता ही नहीं है कि लड़का इधर आ जाएगा खेलने के लिए। 11 साल का बच्चा है अभी, उसके दिमाग में पता नहीं क्या टच होगा तभी। तो कितने बच्चे थे यहाँ पे, कितने बच्चे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ अभी? इस बार स्कूल है साहब जी, स्कूल है तो इधर बच्चे खेलते रहते हैं जी। अभी पता नहीं कैसे सफाई करने के लिए जाली हटाए थे, तो गणपति विसर्जन के लिए सफाई होता तालाब का, तो इसलिए जाली हटा दिए थे हम लोग। तो ये बच्चा कितने साल का था लगभग आपके अंदर? लगभग मैं 11 ईयर्स। अच्छा, 11 साल का बच्चा था ये। अच्छा, तो एक कितने बच्चे डूबे आपके हिसाब से? एक बच्चा। तो ये कहाँ का है बच्चा, कुछ बाड़िया है आप लोगों? ये एड्रेस का मालूम नहीं है लेकिन डूबा है, ये तो पता नहीं कहाँ का है। अच्छा, तो मतलब खत्म हो गया क्या, बच गया कुछ ऐसा? डूबे का साहब बॉडी नहीं मिला तो खत्म ही होगा। अच्छा, बॉडी नहीं मिली, फंस गई थी अंदर चिकड़ के, तभी तो पानी खाली कर रहे थे। अच्छा, तो आप देख सकते थे हमारे साथ यहाँ के लोग थे, यहाँ पे बोले यहाँ पे जाली हटाई गई थी एक हफ्ता पहले यहाँ पे हटाई गई थी जाली को। और ये जाली हटने के वजह से बच्चे लोग यहाँ पे आए कुछ नहाने के लिए, यहाँ पे जो खेलते रहते हमेशा बच्चे लोग। और ये लापरवाही देखा जाए तो ज़्यादा BMC की दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, और इसके वजह से आज 11 साल का बच्चे की एक मृत्यु हो गई यहाँ पे। और हम दिखाने की कोशिश कर रहे पूरा, और हम अभी अधिकारियों से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इसके आगे का पार्ट हम अपने आगे की वीडियो में दिखाएंगे। हम आपको डिश दिखा रहे हैं, वो जो कुआं बना हुआ है यहाँ पे जिसमें गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन किया जाता था। लेकिन यहाँ पे BMC की कार्रवाई आप देख सकते हैं, BMC की तरफ से कोई भी यहाँ पे नहीं बना हुआ है, पूरा का पूरा ब्रैकेट खुला हुआ है, यहाँ पे जाली वगैरह कुछ भी नहीं है, थोड़े टूटा हुआ है। तो यहाँ पे एक बच्चा गिर के यहाँ पे अभी उसकी बॉडी यहाँ पे मिली, और वो 8 साल का लगभग बच्चा था यहाँ पे। दो बच्चे थे यहाँ पे डूब गए थे जिनको 5 विकेट की टीम ने निकाला। हम आपको दिखा सकते, ये गणेश घाट का नज़ारा है जो पूरा के पूरा आप देखिए। यहाँ पे BMC की गाड़ियाँ भी आई हुई है, वो लोग अपना सर्वे कर रहे हैं। अभी बॉडी को यहाँ से लेके गया है, हॉस्पिटल में लेके गए हैं, और ये बताया जा रहा है कि 8 साल का बच्चा था। लोग यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, आप यहाँ पे कार्रवाई देख सकते हैं यहाँ पे BMC का कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी कैमरामैन विशाल के साथ यूनुस शेख, समाज की खबरें, मुंबई। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666 47 111 0। धन्यवाद।